स्वामी सहजानंद महाविद्यालय गाजीपुर के कुबेरनाथ राय सभागार में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का हुआ आयोजन। जी हाँ, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की संयोजक मनोविज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कंचन सिंह ने किया। कंचन सिंह ने सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें तथा लोगों में जागरूकता फैले। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीडी मिश्र, विशिष्ट वक्ता के तौर पर डॉक्टर यशवंत सिंह, मनोविज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर तुलिका श्रीवास्तव ने अपनी बातों को रखा तथा WHO द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत काम किया जा रहा है। WHO की गाइडलाइन को लोग माने तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है तथा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मनोविज्ञान विभाग के डॉक्टर राम नगीना सिंह यादव ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विषय पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के युवा मनोविज्ञान के डॉक्टर शिव कुमार अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मंच का संचालन राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर नारायण राय ने किया। इस कार्यक्रम में अशोक यादव, दीपक यादव, सुनील तिवारी, आकांक्षा मिश्रा, अंजलि राय, अतुल राय, विजय कुमार प्रजापति आदि ने प्रदर्शनी में भाग लेकर जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग दिया। देखिए ये रिपोर्ट। किसी भी शिक्षण संस्थान में यदि आयोजित होते हैं तो उसमें सबकी सहभागिता रहती है, सबका सहयोग रहता है। इसलिए महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, कर्मचारीगण सबको धन्यवाद जानते हैं। परिचय बताएं। मैं डॉक्टर कंचन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर स्वामी सहजानंद निजी कॉलेज गाजीपुर, मनोविज्ञान के मैं प्रवक्ता हूँ। यहाँ बच्चों ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 10 अक्टूबर को हर वर्ष जो मनाया जाता है, से कार्यशाला का आयोजन किया था। अवेयरनेस प्रोग्राम था मोस्टली ये, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी सहभागिता दी है और जागरूकता फैलाने का मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कार्य किया। आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? मानसिक जितना इस समय कोरोना के बीतने के बाद से जितना मेंटल हेल्थ सबका प्रभावित हो गया है, जितना मानसिक स्वास्थ्य सबका इस समय खराब हो गया है, उसको देखते हुए इस इवेंट की ज़रूरत हर किसी को पड़नी ही पड़नी है। सबको चाहिए कि ये जागरूकता कार्यक्रम अपना चलाए और बच्चों को और बाकी अपने समाज के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करें।